गुरुग्राम की कंपनी इंपीरियल लाइफ साइंस और जीन्स टूमी नाम की दो कंपनियों ने कोरोना मरीजों को सांसें देने का काम किया है। आपको बता दें, इन दो कंपनियों ने सरकार को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किए हैं। कंपनी के मालिक एसके गुप्ता ने मंत्री अनिल विज को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सुपुर्द किए। ये 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोरोना मरीजों के इलाज में कारगर साबित होंगे। तो वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इंपीरियल लाइफ साइंस और जीन्स टूमी नाम की कंपनियों का आभार जताया। उनका कहना है कि इन कंपनियों ने कोरोना मरीजों के लिए सांसें देने का काम किया है। गुड़गांव की इंपीरियल लाइफ साइंस एंड जीन्स टूमी फर्म के जो मालिक हैं एसके गुप्ता, उन्होंने 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर और सीएमओ के हवाले इनको कर रहा हूँ। कोरोना मरीजों के लिए ये सांसें हैं, इसकी हमें बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता है। कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हमें अतिरिक्त बेड कैपेसिटी क्रिएट करनी है। और मैं कहना चाहूँगा सभी दानवीरों से कि वो जितने कर सकते हैं ये सरकार को डोनेट करें, इसकी बहुत आवश्यकता है। हमने नियम बना दिया कि 50 बेड से ज़्यादा की कैपेसिटी का कोई भी अस्पताल है उसके लिए अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाना अनिवार्य है और उसको ये काम 6 महीने के अंदर अंदर पूरा करना है। हजारों करोड़ रुपए लगाकर अस्पताल बनाते हैं लेकिन ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे हुए, ताकि भविष्य में ऐसी कभी कोई दिक्कत। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।